Good evening everyone. In this lecture you will learn about the Bohr model of an atom and various derivations we will do regarding the hydrogen atom, especially where we will show that how the hydrogen atom's radius depends on the quantum number or principal quantum number, or we derive the expression of radius of nth orbit of the hydrogen atom. Then we find the expression of velocity. Then we find the expression of total energy of the electron which revolve inside the atom or surrounding the nucleus, we can say. Clear? And then we will discuss about the series of different spectral lines, a spectral series in kum kehte hain, isme Lyman, Balmer, Pasteur, Brackett or Pfeffer, ye five type ki series hain jo hum yahan par discuss karenge. And then we draw the energy level diagram ki ek atom ka jo energy level diagram hai wo kis tarah se hum draw karte hain. And first we will discuss about the postulates taken by the Bohr to explain this model of the hydrogen atom. यानी हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उन्होंने एक तो रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट दिया था उसको यूज लिया एज इट इज कि यस देयर इज अ न्यूक्लियस विद इन द एटम और जो ऑलमोस्ट मास है एक एटम का और जो टोटल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज एक एटम का वो विद इन द टाइनी रीजन और एक स्मॉल छोटा सा रीजन जो है सराउंडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस जो सेंटर पर हम ले सकते हैं वहाँ वो लाई करता है. क्लियर? जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जब उसके सराउंडिंग रिवॉल्व करेंगे तो उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज एक्टेड बाय द या प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो कूलम्बियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लेते हैं वो वहाँ कूलम्बियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज आएगा फॉर द सेंट्रिपेटल फोर्स. तो ये एक रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था जो रदरफोर्ड ने दिया था और इसी को बोर ने अपने पॉस्टुलेट्स में लिया है. सेकेंड पॉस्टुलेट इन्होंने लिया प्लांक के क्वांटम थ्योरी का और ये इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट है और इस पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक रोटेशनल मोशन है ना, इसको हम क्वांटम कंडीशन कहेंगे. तो व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट सराउंडिंग द न्यूक्लियस देन इसके वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल. इट इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन. जैसे हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन चार्ज की डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर में कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम या किसी बॉडी पर एन टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी टोटल एनर्जी की बात की थी कि एक स्ट्रीम या एक रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी है वो एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगी जिसको हम एन एच न्यू से लिख सकते हैं. तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, चार्ज भी क्वांटाइज्ड है और यहाँ हम बात करेंगे कि एक बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन से शुरू करेंगे लेकिन फिर हम शो करेंगे कि रेडियस भी क्वांटाइज्ड है, वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज होती हैं दे आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड. मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज. क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंपली हम कहें तो इट कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन में हम ये बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा यानी एन एच अपॉन टू पाई को एल से लिखेंगे हम और इसी को हम एम वी आर के इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इनका मोशन जो है वो ऑर्बिटल सर्कुलर होता है और सर्कल के लिए एल की वैल्यू आर क्रॉस पी से आर पी साइन 90 और आर पी साइन 90 आर पी हो जाएगा और पी को एम वी लिख दें तो एम वी आर आ जाता है अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की बात करें. तो ये हम सेकेंड क्वांटम कंडीशन यहाँ पर यूज लेने वाले हैं जो प्लांक की एक जो क्वांटम मैकेनिक्स है या प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है उससे हम इसको यूज लेंगे. दो कंडीशंस की और बात करेंगे, एक होगी स्टेशनरी कंडीशन ऑफ द ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट को हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसका जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड रहेगा, इट विल नॉट इमिट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो रदरफोर्ड मॉडल की एक ड्रॉबैक थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट करता है तो जब वो रेडिएशन इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड स्पाइरल पाथ उसका बनेगा और फाइनली वो उसके साथ कोलैप्स हो जाएगा.
वो यहाँ पर इन्होंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्बिट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है सराउंडिंग द न्यूक्लियस वो फिक्स्ड रहता है, इट विल नॉट चेंज। और इस फिक्स अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो रेडिएशन इमिट करने की टेंडेंसी है वो नहीं होगी, यानी इट विल नॉट इमिट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन व्हेन इट रिमेन्स इन द ऑर्बिट। Okay, so that is the fixed orbit, or we can say stationary orbit condition. And the fourth postulate which is taken by this Bohr to explain the hydrogen atom model of the atom, and it is energy or frequency condition, we can say. ओके, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि अब ये नहीं है पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो व्हेन वी सप्लाई सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन देन इट एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड मूव टू द हायर ऑर्बिट। ओके, एंड देयर इज अ कंडीशन दैट वो जो एनर्जी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी नो डाउट, तो वो फोटोन की एनर्जी, उस एनर्जी डिफरेंस जो एक लेवल से दूसरे लेवल में गया ना, उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए, यानी एच न्यू की वैल्यू यहाँ पर ई टू माइनस ई वन के इक्वल है, तो उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि वहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी, उसी से हम फ्रीक्वेंसी न्यू अगर लिखें तो ई टू माइनस ई वन अपॉन एच आ जाएगा। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो हमने चैप्टर 11 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कई जगह यूज लिया है। ओके, तो ये भी बोर मॉडल भी एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट पर डिपेंड है कि एल कंजर्व्ड होता है और एल जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होगा। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एक फोटोन को इमिट करेगा, एनर्जी कम होगी ना हायर से अगर लोअर में आ रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो एक फोटोन को इमिट करेगा और वो फोटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी यानी ई टू अपॉन ई वन डिवाइडेड बाय एच के इक्वल हो जाएगी। तो इसे हम एक फ्रीक्वेंसी कंडीशन कह देंगे फॉर द फोर्थ एज अ फोर्थ पॉस्टुलेट टेकन बाय द बोर्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहाँ पर, अच्छा एक पॉइंट इसमें मिस हो गया है, वो पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो मैं एक बार ये पॉस्टुलेट लिखवा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा और फिर हम इसके आगे डेरिवेशन करेंगे रेडियस का और अदर जो डेरिवेशंस हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार अब ये पॉस्टुलेट मैंने बता दी तो चार पॉस्टुलेट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल पे जाएंगे, वो एक टॉपिक बीच में रह गया तो मैं उसको लेक्चर रिकॉर्ड में उसको बीच में शिफ्ट कर दूंगा पहले, ठीक है। Bohr's model of hydrogen atom. Bohr used the concept of nucleus and quantization condition of Planck to explain, अब वो कौन सी कंडीशन है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, to explain hydrogen atom, the postulates taken by the postulates taken by the Bohr are: first postulate is nucleus concept, ठीक है, जो रदरफोर्ड ने दिया था nucleus concept वो as it is Bohr ने भी use लिया, इसीलिए हम रदरफोर्ड के मॉडल को study करते हैं in our syllabus. Okay, so first one is the nucleus concept, जानते हैं हम nucleus के regarding the टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर
called nucleus. The electrons revolve around the nucleus by electrostatic Coulomb's force, ठीक है, as centripetal force we can say, ठीक है, यही force actual में centripetal force होगा, as centripetal force. या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो centripetal force required है for this rotational motion या revolutionary motion, that is provided by the Coulomb's force या electrostatic Coulomb's force. Clear? So this is the first concept. Then second one, the condition of quantization. Of angular momentum, इसको quantum condition भी कहा जाता है. It is also named quantum condition. Clear? तो इस name से भी ध्यान रखना, कई बार इसी postulate को पूछा जाता है केवल. So the condition for quantization of angular momentum is vector L, okay, and by default its formula is r cross p, और उसको हम अगर circular motion के लिए लें तो magnitude उसका mvr हो जाएगा, okay, और वो n h upon 2 pi के equal होगा. तो the only orbits are allowed, यानी हर पॉसिबल ऑर्बिट यहां अलाउड नहीं है, उसी का मीनिंग क्वांटाइजेशन से होता है. द ओनली ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम, ये देयर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, देयर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का होता है, is integral multiple of h upon 2 pi, और कई जगह इसको h cross से लिखा जाता है ना, ये देखो h को ऐसे लिखे कट कर देते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं बाहर, इसको h cross कहा जाता है, तो उसका मीनिंग भी h upon 2 pi ही है. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, दैट इज L जो है that is equals to, जिसको हम इन सिंपल mvr से लिखते हैं, अभी वो जरूरत नहीं है फॉर्मूला, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा h upon 2 pi, ठीक है, क्वांटाइजेशन की कंडीशन है ये. और क्वांटाइजेशन का हर जगह मीनिंग क्या आ रहा है कि किसी एक क्वांटा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा क्या है, h upon 2 pi, ठीक है, इट इज नेम्ड द क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके. So this L is equals to n times of h upon 2 pi, and here n is take the values 1, 2, 3, 4 and so on, and it is named, इसका जो name है that is principal quantum number. और ये वही देखो k l m n ऑर्बिट के along इसकी वैल्यू है, दिस इज फॉर k ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, दिस इज फॉर l, फिर m एंड सो ऑन. तो जो ऑर्बिट्स, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, तो ऑर्बिट के नंबर को बताता है, लेकिन इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं या ऑर्बिट नंबर कह सकते हो. तो ये हमारे पास में एक कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mvr is equals to nh upon 2 pi, ठीक है, mvr equals to nh upon 2 pi, and we will use this condition for derivation of the radius, velocity and energy of the electron in this hydrogen atom. So we will write two more, take the screenshot.
a stationary orbit. The third postulate we can say stationary orbit. So here we will say that while electron revolve, it do not radiate any electromagnetic radiation and hence its orbit will remain stationary or fixed. Okay, so while the electron revolve in an orbit, ठीक है, the then it do not emit any electromagnetic radiation. So its orbit remains fixed or we can say stationary. जब ये रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहा, जैसे रदरफोर्ड का जो हमने ड्रॉबैक पढ़ा था कि स्पाइरल पाथ बनाते हुए कॉलैप्स हो जाएगा, तो वो सिचुएशन नहीं होगी कि वो स्पाइरल पाथ बनाए और हमेशा हर टाइम पे रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वहां पर इंसिडेंट करे. ओके, सो दिस इज द थर्ड कंडीशन. एंड फोर्थ कंडीशन इज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन. The fourth condition is called frequency condition. So अब जरूरी नहीं है stationary orbit है तो हमेशा वो अपने orbit में ही रहेगा. It can also change its orbit. वो अपने orbit को change भी करेगा. तो when it will change the orbit, then either it will absorb the energy or it will emit the energy. ओके, सो हायर टू लोअर अगर आ रहा है तो इमिट करेगा और लोअर टू हायर अगर जा रहा है तो इट विल एब्सॉर्ब द एनर्जी. ओके, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या मेक्स द ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन बोला जाता है, एक लेवल से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स a transition from one orbit to another, transition from one orbit to another, अब वो higher to lower भी हो सकता है, lower to higher भी हो सकता है, then it absorb or emit the energy इन फॉर्म ऑफ फोटोन. फोटोन की फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करता है. अब देखो कब एब्जॉर्ब करेगा कब इमिट करेगा ये भी फिक्स्ड है. फॉर लोअर ऑर्बिट, लोअर टू हायर ऑर्बिट, लोअर टू हायर ऑर्बिट ट्रांजिशन, यानी लोअर लेवल से हायर लेवल में, सपोज करो ये मैं कहूं कि दो ऑर्बिट्स की एनर्जी वैल्यूज हैं, ठीक है, दीज आर द एनर्जी वैल्यूज, या उधर ड्रॉ करता हूं, देखो दीज आर द एनर्जी वैल्यूज ऑफ टू ऑर्बिट्स. सो दिस इज सपोज E2 एंड दिस इज सपोज E1, और मैंने यहां लिखा लोअर टू हायर. तो लोअर टू हायर में क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन है, इस पर हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया h न्यू एनर्जी का, तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है. तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, लोअर से हायर अगर जा रहा है तो इट विल एब्जॉर्ब द फोटोन, फोटोन को ये एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर टू लोअर आएगा, एंड फॉर हायर टू लोअर, ठीक है, इट विल इमिट द एनर्जी, इमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वी कैन से. तो जब ये वापस से वो यहां से यहां जंप करता है इलेक्ट्रॉन, ये जब यहां से यहां जंप करेगा तो ये फोटोन को इमिट करेगा. तो दिस इज E2 एंड दिस इज E1, एंड फॉर बोथ द डायग्राम, फिर चाहे ये लें चाहे वो लें, एनर्जी वैल्यू चलो मैं सेम कर देता हूँ, थोड़ा इनमें गैप डिफरेंस आ गया है. तो दिस इज द E2. तो इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है,
here this h nu is equals to e2 minus e1. जितना ये एनर्जी डिफरेंस है दोनों लेवल्स की या दोनों ऑर्बिट की, उसी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में यहाँ, तो ही उस कंडीशन में वो उसको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यानी इसका डिफरेंस एग्जैक्टली एच न्यू के इक्वल होना चाहिए तभी वो ट्रांजिशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप ज्यादा देके भी नहीं करा सकते और कम देके भी नहीं करा सकते, वो वाली सिचुएशन है, इसी को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। एक्चुअल में देखो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था कि रेडियो से लेके गामा रेडिएशन तक इनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, और हमें एक मिडल फॉर्म, मिडल बैंड केवल विजिबल आईज से विजुलाइज होता है, उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करते हैं। तो हमारी आईज के अंदर भी जो एटम्स होते हैं उनमें भी एनर्जी लेवल्स है, वो भी क्वांटाइज्ड है एक्चुअली एनर्जी। तो हम भी केवल उन्हीं, हमारी आईज भी केवल उन्हीं एटम्स के लिए, या सॉरी उन्हीं फोटॉन्स के लिए सेंसिटिव होती है जिनकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो एच न्यू किस रेंज में हो, उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में हो। यानी हम अगर वो फोटोन हमें आईज को मिले जिस फोटोन से इलेक्ट्रॉन आई के जो है वो हायर ऑर्डर में जा सके, तो वो उसी को एब्जॉर्ब करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो विजिबल रेंज में हो। अगर आप एक्स रे की फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करोगे आई पर या रेडियो वेव का करोगे तो वो विजुलाइज ही नहीं होगी, यानी उससे ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ही नहीं करता, ठीक है ना। उस फोटोन की एनर्जी मैंने कहा ना, ना कम चाहिएगी ना ज्यादा, एग्जैक्ट इक्वल चाहिए। अगर ट्रांजिशन चाहते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जंप कर जाए, तो एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए जितनी की एनर्जी डिफरेंस है, क्लियर। और जब इमिट करेगा ना वो, तब भी उतनी ही एनर्जी को इमिट करेगा जितना की एनर्जी डिफरेंस है। तो ये एक क्वांटम कंडीशन है जो कई जगह हम यूज लेते हैं फिजिक्स के अंदर, और इसी से हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, और यहाँ एच वही प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एच यहाँ पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ये नोट कर लेना। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि इलेक्ट्रॉन केवल अपने ऑर्बिट में ही नहीं रहता, जब उसको एनर्जी दी जाती है या जब वो एनर्जी इमिट करता है तो वो अपनी कुछ ऑर्बिट्स को चेंज कर सकता है। लेकिन देखो, जब अगर ग्राउंड स्टेट में है, जब जो लोएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस लेवल की बात करें, तो वो उसमें ही रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट ऊपर हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा जब तक हम उसको एनर्जी सप्लाई नहीं करें। लेकिन सपोज करो कि हमने उसको एच न्यू कोई रेडिएशन से एनर्जी प्रोवाइड की, जो यहाँ पर है उसको हमने फोटोन सप्लाई किया, तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, इसको हम फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। आगे चल के हम उन एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करने वाले, तो उस एक्साइटेड स्टेट में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही रुकता है, और वो भी ऑर्डर 10^-8 -9 सेकंड का होता है, नैनो सेकंड का वो ऑर्डर रहता है। तो उसके बाद वो वापिस अपने आप अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसको भी हम समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में जाए, हो सकता है आप उसको एनर्जी डिफरेंस दे दो थर्ड में जाने का, तो थर्ड का फोटोन मिलेगा तो थर्ड में डायरेक्ट जंप कर जाएगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा ना तो थर्ड से वन में भी आ सकता है, थर्ड से सेकंड में, फिर सेकंड से वन में भी आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस हम इस एनर्जी कंडीशन से ही लेने वाले, तो इसको हम आगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर परफॉर्म करने हैं। सो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस का एक्सप्रेशन हम यहां पर डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। सो rn से हम इसको लिखेंगे, मेन फॉर्मूला जो आएंगे उनको हम ध्यान रखेंगे। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज द सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, इसका ऑर्बिट इन्होंने सर्कुलर लिया था बोर्ड ने। सो दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट, हियर द न्यूक्लियस हैविंग द चार्ज ZE, प्लस ZE चार्ज होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है सपोज करो, और इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है,
क्लियर। सो इट्स वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हैं, और उसको हम v लिख रहे हैं। v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r। अब ऑर्बिट हम आर्बिटरी ले रहे हैं, तो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिट की वैल्यू को भी यहाँ पर, ऑर्बिट के नंबर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। सो दिस इज v, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हम m लेंगे, v वेलोसिटी से वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई विद वेलोसिटी वी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर, रेडियस आर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर, तो वी वेलोसिटी से आर रेडियस के ऑर्बिट में जेड ई चार्ज के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, ई और एम चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो ये भी हम मान लेते हैं, लेट एम एंड ई आर चार्ज एंड मास, सॉरी मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, रिस्पेक्टिवली। नाउ यहां जो इसके मोशन के लिए है ना, फॉर दिस ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमें फोर्स चाहिए होता है, विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, दिस फॉर्म सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्स फोर्स, जो कि रिपल्सिव, सॉरी यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, तो कूलम फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स का, तो उसको हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स के। तो हियर फॉर रोटेशनल मोशन या सर्क्यूलर मोशन कह सकते हो, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस जेड ई एंड ई। अब ई भी एक्चुअल में नेगेटिव ई ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, लेकिन हम पहले यहां पर अब वो डायरेक्शन को बताएगा कि ये जो फोर्स होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ठीक है, इस पे जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा? सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो उसको हम यहाँ बैलेंस करेंगे। देयरफोर शुरुआत यहां से करनी है, ध्यान रखना है इस डेरिवेशन की, कि हमें सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करना है कूलम्बियन फोर्स से। ओके, तो देयरफोर वी कैन राइट दिस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 Z E into E upon R square। अभी हम इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लगाएंगे। ओके, वी विल नॉट टेक द मैग्नीट्यूड साइन, हम केवल इसकी भाई जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी है, इसलिए हम दोनों साइन को हम यहाँ पर यूज नहीं ले रहे। अब देखो यहाँ एक R से R हो जाएगा कैंसिल, और एम वी स्क्वायर को मैं अभी एक इक्वेशन नंबर दूंगा इस इक्वेशन को, बिकॉज दिस इक्वेशन विल बी यूज टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, इट विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इट इज एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, जो जो हमें इक्वेशन यूज आएगी, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और इसको इक्वेशन नंबर वन कहा है हमने। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारे पास एक, यहां से हम आर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो क्या आएगी, द आर विल बी k
kz e square upon mv square. Let this is equation number 2. Okay, this is the equation number 2, which is r equals to kz e square upon mv square. Okay, now the next one is हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे जो क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने इसके पोस्टुलेट्स में ली थी दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई एंड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर फॉर द सर्कुलर मोशन. ओके, तो वो हम कंडीशन यहाँ पर यूज लेंगे. इसको मैं अब दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ इसको. सो वी नो From quantization condition, the quantization condition is L equals to MVR is equals to NH upon 2 pi. Okay, ये quantum condition है, ये H upon 2 pi quanta है angular momentum का और N orbit के number को बताता है. एन जो है यहाँ पर ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऑर्बिट, या इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. इट इज नेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रीवियस पॉइंट में हमने लिखा था पॉस्टुलेट्स के साथ में. तो हियर ऑल्सो वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ आर. यहाँ से भी हम आर को फाइंड करेंगे और इन दोनों को फिर इक्वेट करके वी कैलकुलेट करें कि वेलोसिटी क्या हो. ओके, सो आर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहां से, इट विल बी एन एच अपॉन 2 पाई एम वी. ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी को उधर शिफ्ट कर दिया. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ इक्वेट इक्वेशन 2 एंड 3. तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन राइट kz e square upon mv square, kz e square upon mv square is equals to nh upon 2 pi mv. okay, nh upon 2 pi mv. देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इक्वेट कर सकते हैं. नाउ देखो एक v से v यहां कैंसिल, m से m कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. एंड फ्रॉम हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ v. V कैलकुलेट करो इस एक्सप्रेशन से. तो इस V को मैं इधर ला रहा हूं और बाकी टर्म को इधर ला रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको और V विल बी इक्वल्स टू, एंड दैट इक्वेशन वी विल यूज टू राइट द वेलोसिटी एक्सप्रेशन आफ्टरवर्ड. क्लियर? सो V विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल बी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच. ठीक है, इट विल बी अपॉन एन एच. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बी एंड लेट इट इज इक्वेशन नंबर 4. इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे. नाउ दिस वैल्यू ऑफ बी यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस आर सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एन. हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है कि रेडियस की वैल्यू एन एच ऑर्बिट में कैलकुलेट कर. तो n की टर्म में r का एक्सप्रेशन चाहिए हमें. ओके, सो दैट्स व्हाई हमने यहां पर पहले इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके r फाइंड किया, क्वांटम कंडीशन से r फाइंड किया, दोनों को इक्वेट करके v कैलकुलेट किया. अब ये स्टेप इसीलिए लिए ताकि हम वेलोसिटी में इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज ले सके. ठीक है, ताकि हम वेलोसिटी में इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यूज लेंगे. तो ये हमारे पास में v आ गया. नाउ वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2. तो मैं यहाँ साइड में इस v का एक्सप्रेशन भी लिख लेता हूँ क्योंकि हमें आगे इसको यूज लेना है. 2 पाई के z e स्क्वायर अपॉन एन एच. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, 2 पाई के z e स्क्वायर अपॉन एन एच. सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट r. अब ये nth के लिए आएगा इसलिए हम इसको rn, इसको भी हम vn लिख सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन 4. बट अभी हम फोकस कर रहे हैं रेडियस को, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर, आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे उसको. तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी व्हाट? इट इज kz e स्क्वायर.
ठीक है, z और 2 में डिफरेंस रखना, k z e स्क्वायर अपॉन m, और देखो यहाँ 1 अपॉन v स्क्वायर है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर करना, रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर करना है, सो दिस विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e 4, 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e 4, क्लियर सिंपल। नाउ देखो z से एक z कैंसिल, k से एक k कैंसिल, और e स्क्वायर से एक e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो द एक्सप्रेशन ऑफ r फॉर nth ऑर्बिट, अब इसमें भी ध्यान देना मैं z को और n को एक साइड में रखूंगा, रिमेनिंग कांस्टेंट बीच में रखेंगे, है ना, जो कांस्टेंट होगा पूरा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो इट इज h स्क्वायर, न्यूमरेटर में केवल एच स्क्वायर रहा, एन स्क्वायर में उधर लिखने वाला, अपॉन दिस इज एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, एंड इसके साथ में यहां पर आ जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, इट इज एन स्क्वायर बाई जेड, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द बोर रेडियस, या जिसको हम रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस का ये एक्सप्रेशन है, तो इसका प्रोसीजर ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसका थोड़ा लेंदी है, तो प्रोसीजर कैसे करते हैं ये ध्यान रखना, और ये जो वैल्यू आने वाली है ना, ये एंगस्ट्रॉम में हम 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे इसको, तो आप ये नहीं याद करके डायरेक्ट आप 0.529 या 53 एंगस्ट्रॉम भी याद रख सकते हो राउंड ऑफ करके, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड, ओके, सो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसमें बोर रेडियस हम फाइंड करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर हाइड्रोजन एटम z will be equals to 1, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन एटम के, तो n की वैल्यू भी क्या होगी वहां पे 1 हो जाएगी, है ना, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट द n वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1, सो दिस r1 विल बी इक्वल्स टू, और r1 को हम फिर r0 कहेंगे, है ना, इसको r1 नहीं लिखा जाता, r0 लिखा जाता, तो दिस r0 विल बी व्हाट इक्वल्स टू, इट इज h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी, यहां देखो ये सब कांस्टेंट है, h की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34, ठीक है, पाई 3.14, m की वैल्यू 9.1 10 टू द पावर -31 kg, k की वैल्यू 9 10 टू द पावर 9, और e की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये जो वैल्यू मिलती है दैट इज हैविंग द न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसको नियरली हम 0.53 एंगस्ट्रॉम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बोर रेडियस, इसको हम नाम देते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज कॉल्ड बोर रेडियस, बोर्स रेडियस, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की या ग्राउंड स्टेट जिसको हम कहेंगे आगे चल के, उसकी जो रेडियस आती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट रहेगा, ओके, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, तो उस फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस का एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू दिस 0.53 एंगस्ट्रॉम, और जिसको हम यहाँ पर बोर्स रेडियस कहेंगे। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, वैसे तो ये फॉर्मूला हमें एज सच याद रखना है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको भी हम आगे यूज लेंगे, दिस आर एन इज इक्वल्स टू दिस इज एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इंटू एन, Z को भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, अभी तक हमने 4 लिख ली थी, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5,
because this radius will also be used in further derivations here in terms of n. So this is called the Bohr's radius, and therefore we can also write this or radius of nth orbit is 0.53 n square by z. ठीक है, और किस में आ जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. दिस वैल्यू विल बी इन द एंगस्ट्रॉम, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस वैल्यू. सो दिस 0.53 n स्क्वायर बाय z, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से r n इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. z अगर हाइड्रोजन के लिए लें तो 1 होगा, तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम ले रहे हैं तो n स्क्वायर के रेडियस प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट इन सब की अगर रेडियस का रेशियो लेते हैं, सपोज R1, R2, R3 एंड सो ऑन, तो वो रेशियो क्या आएगा एंड सो ऑन, देन इट विल बी 1:2, 4:2, 9:2 एंड सो ऑन, ठीक है, 16 एंड सो ऑन, ये रेशियो आएगा ना, क्योंकि n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल नहीं है. देखो इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल वैल्यू भी नहीं ले सकता रेडियस की, रेडियस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, ऐसे कहेंगे ना इसको, कि रेडियस भी यहाँ पर क्या है, क्वांटाइज्ड है. तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी 0.53, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस होगी 0.53 इंटू 4, ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 9 इंटू दिस वन, फिर 16 इंटू दिस वन, तो रेडियस जो है ऑर्बिट की वो भी फिक्स्ड है, और उसको भी हर पॉसिबल वैल्यू इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता. तो मेन ये क्वांटाइजेशन ही है जो हम यहाँ पर इसको डील कर रहे हैं सारी. देखो रेडियस भी क्वांटाइज्ड है, वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड होगी, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है. तो जितनी भी टर्म्स है, इवन एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की हमने बात कर ली, और अगर हम इसके टाइम पीरियड को लेंगे तो वो भी हम एन की टर्म में लिखेंगे, टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी, तो एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड, मीन्स हर पॉसिबल वैल्यूज ये नहीं ले सकता, कुछ पर्टिकुलर सुटेबल वैल्यूज ही ये ले सकता है, ठीक है. चलो तो ये हमारे पास आर एन हो गया एन स्क्वायर, और ये इसके रेशियो की वैल्यू हो गई. तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइज इन इट. सो नेक्स्ट फिर लिखो सब हेडिंग इसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, लिखते हैं इन nth ऑर्बिट, जब वो nth ऑर्बिट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी. So in this from equation 4, अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे from equation 4, fourth equation में हमने v को क्या लिखा था, it is 2 pi kz e square upon nh, okay, यहाँ भी z और n को हम उधर सेपरेट कर देते हैं, और एक यहाँ पर मैं और मैनिपुलेशन करूंगा, c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, क्योंकि उससे हमें एक यहाँ कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, वी विल गेट अ कांस्टेंट हियर व्हिच इज नेम्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फा. अल्फा से उसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1/137 होती है, तो वो हमें याद रखनी पड़ेगी कि इट इज अल्फा इज 1/137. जैसे हमें ये भी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि जो रेडियस है बोर रेडियस वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है. Clear? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखो 2 pi k e square upon h c, और मैं यहाँ पर c upon n into z इस तरह से लिख रहा हूं इसको, ठीक है, z को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया और c upon n, और ये हो गया अल्फा. अगर हम यहाँ हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें, फॉर हाइड्रोजन एटम, वैसे तो देखो यही एक एक्सप्रेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एन की टर्म में, लेकिन हम इसको अदर वे में लिखने की कोशिश कर, इट इज ऑल्सो द वैलिड एक्सप्रेशन, इसमें अपने को चेंज अगर नहीं भी करो तो भी ये फाइनल एक्सप्रेशन है, बट वी आर गोइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन सम डिफरेंट वे जिसमें हम इसको याद रख सके इजीली. तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, जेड वन हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी यहां पर, इट इज अल्फा टाइम्स ऑफ सी बाई एन, वेयर दिस अल्फा इज व्हाट, दिस अल्फा इज 2 pi k e square upon h c, और इसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इट्स नेम इज व्हाट, इट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, एंड
इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 1/137। देखो ये सब भी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, सो इट्स वैल्यू इज नियरली इक्वल्स टू 1/137। 1/ है ध्यान रखना, इट इज 1/137। सो व्हेन यू पुट दैट वैल्यू हियर, दिस इज एन, ओके, दिस इज नॉट एच, दिस इज एन, so this value will be what, v equals to 1/137 c by n। यहाँ ध्यान देना ये c जो है ये speed of light है, c जो है यहाँ पर this is 3×10⁸ meter per second, ठीक है, it is the speed of light, by default जहाँ भी c आता है वो speed of light को represent करता, so this is 3×10⁸ meter per second, so this is the velocity of the nth orbit, और इसको हम क्या कहेंगे, this vn is proportional to या velocity of electron in the nth orbit, and this vn is proportional to 1/n, ठीक है, जैसे rn proportional था किसके, n square के, वैसे vn proportional किसके है, 1/n के, यानी अगर मैं यहाँ वेलोसिटी इसका रेशियो लू v1:v2:v3 एंड सो ऑन, तो ये रेशियो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1:1/2:1/3 एंड सो ऑन, क्लियर है, क्योंकि n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट चलेगी, तो 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, दिस विल बी द रेशियो ऑफ दिस nth ऑर्बिट्स वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पर ये ध्यान रखना ये फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस है, ये थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट को यहां पर क्या ले लिया, R नॉट ले लिया, इसलिए R1, R2, R3, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको 2, 3, 4 ऐसे याद रखो, और ये ध्यान रखो कि R नॉट और R1 इक्वल होते हैं, ऐसे याद रखो, फर्स्ट को ही R नॉट कहा जाता है, बेसिक जो इसका सिंबल है वो R नॉट है, जो हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है, इसलिए हम वहां पर R नॉट से लिख देते हैं, बट इन जनरल अगर आप कहो तो इसको R2, R3, R4, फिर इसको सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर वो कंफ्यूजन होता है या तो याद रखो, देखो नेम है, नेम कुछ भी दिया जा सकता है, तो अगर हम इसका नेम R नॉट और R1 सेम करके इसको R2, R3, R4 करें, या R0, R1, R2, R3, R4 करें, नेम है हम दे सकते हैं, बट हम वही रखते हैं जो एग्जैक्ट है, तो 2 के लिए 2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए R2, थर्ड ऑर्बिट के लिए R3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए R4, क्योंकि यहाँ भी मैंने वेलोसिटी v1 v2 v3 ली है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना कि इसको R0, R2, R3 और R0, R1 सेम है वो यहाँ आगे मेंशन कर दे, ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।